सांसद सुरेश कश्यप को भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर सोलन भाजपा में खुशी की लहर देखी जा रही है। सोलन भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने मीडिया से अनौपचारिक बैठक की और सांसद सुरेश कश्यप को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर शीर्ष के नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि सुरेश कश्यप भाजपा को मजबूती प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप एक अनुभवी नेता हैं और उस अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने कहा कि काफी समय से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा था। इस मंथन से प्रदेश भाजपा को नायाब हीरे के रूप में सांसद सुरेश कश्यप जैसा अनुभवी अध्यक्ष मिला है। उन्होंने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप अनुसूचित जाति से, जिसका भाजपा को बेहद लाभ भविष्य में होगा। उन्होंने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने बीडीसी से अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया, फिर विधायक और सांसद बनकर अपने आप को सफल नेता साबित किया, जिसके चलते उन्हें आज भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप युवा और ऊर्जावान नेता हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा और मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में भाजपा प्रदेश में फिर से सत्तासीन होगी। ये बड़े हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं अपनी ओर से और सोलन की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा या नियुक्त होगा। तो सुरेश कश्यप जी एक बड़े ही नेक इंसान है और वो अनुसूचित जाति से आते हैं और उसका जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ वो एक्स सर्विस मैन भी है और उन्होंने जो अपना जीवन है पहले आर्मी के लिए दिया एक किसान के बेटे के नाते, फिर जो है एक बीडीसी सदस्य के रूप में भी उन्होंने पूरी राजनीति शुरू की है, उसके बाद एमएलए और फिर मेंबर पार्लियामेंट और अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और बड़े यंग नेता है और ऊर्जावान नेता है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा जो है फाइट और अच्छे जो है दोबारा से जो है सरकार रिपीट करेगी।